Hello everyone and welcome back again to another fresh video of Ashu Talks. I hope you are doing absolutely fine. तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है इस पर्टिकुलर कोविड क्राइसिस में बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है आप सभी को जॉब फाइंड करना। या तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों कि उनके कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है, या तो उनकी कॉलेज डिग्री की वजह से उन्हें दोस्तों जॉब फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ जहां पर आपको अपने स्किल के बेसिस पर जॉब मिलने वाली है। यहाँ पर कोई भी आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आप कोई भी कॉलेज से, आपका कॉलेज मैटर नहीं करता, भले आपका टीयर वन कॉलेज हो, टीयर टू कॉलेज हो, टीयर थ्री कॉलेज हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ मैटर करती है आपकी स्किल्स। तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप सभी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपकी कोई भी डिग्री हो, अगर आपने बीसीए किया है, बी किया है, बीटेक किया है, एमबीए, एमसीए, कोई भी डिग्री किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आप 2019, 20, 21 कोई भी पास आउट बैच से हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या तो अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो जो कि अभी जॉब कर रहे हो दोस्तों, लेकिन आप अपनी अभी की जो करंट जॉब है वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको हाई पैकेज वाली, हाई सैलरी वाली जॉब चाहिए, या तो आपको इंप्रूव करना है दोस्तों, तो आप इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं री लेवल के बारे में। री लेवल एक अन अकेडमी का प्रोडक्ट है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया का फर्स्ट हायरिंग टूर्नामेंट प्लेटफॉर्म है दोस्तों। पार्टिसिपेट इन री लेवल टूर्नामेंट टू वर्क एट इंडियन फाइनेंस कंपनी। तो दोस्तों इंडिया की जो फाइनेंस कंपनी है दोस्तों, बहुत ही सारी कंपनीज है जो कि टॉप लेवल की कंपनीज आ जाती है इंडिया में दोस्तों, वहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देखने मिल जाती है अगर आप इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हो। तो सभी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको 50 प्लस कंपनीज देखने मिल जाती है, 500 प्लस जॉब रोल्स देखने मिल जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों, एंड यहाँ पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो री लेवल इज डिजाइन टू एक्सेलरेट योर करियर। तो दोस्तों अगर आपके पास बेसिक स्किल्स है, अगर आपके पास स्किल्स है तो स्किल्स सेट के बेसिस पर आपको यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। यहाँ पर आपका कोई भी कॉलेज या आपकी कोई डिग्री मैटर करने नहीं वाली है, सिर्फ आपकी स्किल्स मैटर करने वाली है। आप देख सकते हो अप्लाई टू मल्टीपल कंपनीज विथ री लेवल स्कोर। तो आपको मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो अगर आपको एक बार री लेवल का स्कोर मिल जाए। तो इस टूर्नामेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे आपको इस तरह का स्कोर देखने मिल जाता है, पार्टिसिपेट फ्रॉम एनी वेयर इन इंडिया, 100% ऑनलाइन। तो ये जो टूर्नामेंट होने वाला है टोटली ऑनलाइन होने वाला है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है। यू कैन पार्टिसिपेट इन एंटायर टूर्नामेंट एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, ऑल यू नीड इज अ लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्शन। तो सिर्फ आपको एक लैपटॉप और एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास ये दो चीज है तो आप इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में दोस्तों अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है शोकेस योर स्किल एंड नॉट योर रिज्यूमे। तो आपको अपनी यहाँ पे स्किल्स शोकेस करनी है, स्किल्स के बेसिस पर यहाँ पे आपको जॉब्स मिलने वाली। यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है योर कॉलेज और डिग्री डजंट मैटर बट योर स्किल्स डू, ईच राउंड इज डिजाइन टू शोकेस देम टू कंपनीज, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉलेज डिग्री मैटर नहीं करता है, जैसे कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ, आप कोई भी लेवल के कॉलेज से बिलोंग करते हो, टीयर थ्री के कॉलेज से भी बिलोंग करते हो तो भी आप इस पर्टिकुलर इसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, एंड अपनी स्किल जो है वो शोकेस कर सकते हो। वेरियस राउंड होने वाले हैं, साथ साथ यहाँ पे आपको पर्सनलाइज मेंटरिंग भी मिलने वाली है कि आपको इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है, कौन सी चीजें हैं जो आपको इंप्रूव करनी चाहिए, सभी चीजें यहाँ पे आपको मेंटर करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। फिर आ जाता है हाउ इट वर्क्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 22 जून है। तो रजिस्ट्रेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए एक आपकी फीस होने वाली है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे मैंने एक स्पेशल ऑफर भी रखा है, आपके लिए एक डिस्काउंट ऑफर रखा है जहां पे आपको कम फीस पे करनी पड़ेगी, रेगुलर फीस जो है री लेवल की वो पे नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको डिस्काउंट ऑफर भी मिल जाता है, ठीक है। तो 22 जून से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर सेकंड आ जाता है प्रीलिम्स चैलेंज 1, 2, 3, ठीक है। तो चैलेंज आ जाता है जहां पे आपको चैलेंज के आपको यहाँ पे लेवल्स देखने मिल जाते हैं। फिर एडवांस चैलेंज आ जाता है जहां पे आपको कट ऑफ दिया जाएगा, कट ऑफ क्लियर करना होगा आपको, एक्सपीरियंस इंटरव्यू टेस्ट होने वाली है। फिर आ जाता है रिजल्ट अनाउंस। तो फोर्थ जो स्टेप आ जाती है वहां पे आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट के बेसिस पे आपका प्लेसमेंट बिगेन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट पे किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, सभी चीजें आपको यहाँ पे गाइड करने वाले हैं, मेंटर करने वाले हैं, अगर आप इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लेते हो। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का बटन देखने मिल जाता है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको वेरियस कंपनीज देखने मिल जाती है, टॉप लेवल की कंपनीज जो है इंडिया की दोस्तों, अर्बन कंपनी हो गई, अपग्रेड हो गई, रेजर पे हो गई, और भी बहुत सारी यहाँ पे आपको कंपनीज देखने मिल जाती है। आप इस कंपनीज में दोस्तों देख सकते हो, आप कोड नेशन देखने मिल जाता है, स्मॉल केस देखने मिल जाता है,
एक्सेल वेबटेक देखने मिल जाता है। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पे जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर री लेवल के टूर्नामेंट के स्कोर के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो इंडिया फाइनेंस कंपनीज हायर ऑन रिवेल। तो इंडिया की जो फाइनेंस कंपनीज है, टॉप लेवल की कंपनीज है, वो लोग हायर करते हैं। 500 प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, 50 प्लस कंपनीज मिल जाती है, एंड 50 लाख प्लस का यहाँ पे आपको एलपीए देखने मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने मिल जाती है। आप देख सकते हो बिजनेस डेवलपमेंट टूर्नामेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूर्नामेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट टूर्नामेंट। तो यहाँ पे हमारी जो ऑडियंस है मोस्टली आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, तो मैं आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूर्नामेंट के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। टोटली ऑलमोस्ट सभी कुछ सेम है, मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देख सकते हो इस तरह से वेब पेज अपियर हो जाता है। और यहाँ पे आपको ये भी देखने मिल जाता है अगर आप कॉलेज में हो, 2021 पास आउट बैच से बिलोंग करते हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर्स हो, आप फर्स्ट जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। या तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, 0 से 3 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, तो भी आप इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाला है 22 जून को, और टूर्नामेंट जो लाइव होने वाली है वो 26 जून से स्टार्ट होने वाली है 4 जुलाई तक के। ठीक है, और प्लेसमेंट जो स्टार्ट होने वाला है वो 7 जुलाई से। तो एज सुन एज पॉसिबल आपको इस टूर्नामेंट के लिए अप्लाई कर देना है। अब सिंपली यहाँ पे आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है। वहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे आपको डाउनलोड सिलेबस पे क्लिक करते ही पूरा सिलेबस आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का वेब पेज अपियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 2000 रुपीज का यहाँ पे चार्ज हो रहा है। आप कोई भी बेसिक सा कोर्स खरीदते हो दोस्तों, जो कि एक अच्छे क्वालिटी का कोर्स होता है, उसके लिए आपको 1500 से 2000 रुपीज तक के पे करनी होती है। लेकिन ये जो है आपके करियर का सवाल है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है 2000 रुपीज इसकी फीस है, लेकिन हमारा जो एक स्पेशल रिफरल कोड है दोस्तों, अगर आप उसको अप्लाई करते हो, डिस्काउंट कूपन को अप्लाई करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा रिफरल कोड देखने मिल जाता है आशु 10। अगर आप अप्लाई करते हो यहाँ पे आपको अप्लाई सिंपली क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई करते हो यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट देखने मिल जाता है। तो ये जो आपका प्राइस है ये हो जाता है 1800 रुपीज। ठीक है, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ये रिफरल कोड अप्लाई करते हो। तो आपको रिफरल कोड और रजिस्ट्रेशन की दोस्तों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आप सभी को अन अकेडमी की तरफ से। अन अकेडमी के बारे में आप सभी ने सुना ही है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।